नमस्कार दोस्तों, नव भारती परिवार में आपका स्वागत है। आपने पिछले वीडियो में विशेष आवश्यकता वाले बालकों की पहचान कैसे की जाती है इसके तरीकों को पढ़ा था। आपने देखा था कि व्यक्तिगत शिक्षा योजना व्यक्ति की व्यक्तिगत क्रियाकलापों को देखकर किस प्रकार बच्चे के बारे में हम पता कर सकते हैं कि उसमें CWSN गुण पाए जाते हैं। आपने पिछले वीडियो में ये भी सुना था कि व्यक्तिगत शिक्षा योजना क्या होती है। मैंने आपको बताया था ऐसी योजना जिसमें विकलांग बालकों की स्थितियों का आकलन व अनुदेशन होता है वो विशेष आवश्यकता वाले बालक कहलाते हैं। विशेष आवश्यकता वाले बालकों की पहचान के लिए उनके संपूर्ण क्रियाकलापों को देखना होता है, उद्देश्य निर्धारित करने होते हैं और सामग्री को उपलब्ध करवाना होता है। उसके बाद मैंने आपको बताया था कि विशेष आवश्यकता वाले जो बालक हैं उनकी पहचान करने के लिए उनको हमें क्या देना पड़ेगा, निरीक्षण करना पड़ेगा, चिकित्सकीय परामर्श लेना पड़ेगा, मानसिक परीक्षण करना पड़ेगा और इसके अलावा हम शैक्षणिक परिणामों के आधार पर भी क्या कर सकते हैं, CWSN की पहचान कर सकते हैं। आपने पिछले वीडियो में मैंने आपको बताया था कि किसी बच्चे की शैक्षिक उपलब्धियों को देखकर हम समझ सकते हैं कि बच्चा CWSN श्रेणी में आता है। देखो, उसके बाद मैंने आपको चार प्रकार बताए थे, चार हथियार बताए थे। पहला, शैक्षिक परिणाम के द्वारा देख सकते हैं, चिकित्सकीय परामर्श के द्वारा देख सकते हैं, इसके अलावा आप बच्चे का मानसिक परीक्षण करवा कर देख सकते हैं कि बच्चा कैसा है, CWSN श्रेणी में आता है क्या। इसके अलावा बच्चे का ऑब्जर्वेशन करके भी हम CWSN बच्चों की पहचान कर सकते हैं। देखो बच्चों, इसके अलावा भी हमने पहचान कर ली कि बच्चा स्वर्ण बाधित है या दृष्टि बाधित है या मानसिक विकार है या शारीरिक विकार है या बौद्धिक क्रियाकलापों का उसका स्तर जो है वो निम्न है। ये सब देखने के बाद अब बात आती है कि ऐसी कौन सी जानकारियां जुटा करके भी हम विभिन्न प्रकार की जानकारियां जुटा सकते हैं और उसकी एक व्यक्ति योजना बना सकते हैं। तो क्या क्या हम जानकारियां जुटा सकते हैं इसको हम निम्न भागों में बांट सकते हैं। देखो, पहला है अल्प दृष्टि। अल्प दृष्टि का मतलब है एकाग्रता, ध्यान का एकाग्र करना। बच्चा कितनी देर एकाग्रचित हो रहा है इस दृष्टिकोण की हम जानकारी जुटा सकते हैं। वो देखें कैसे, आप देखते हो पहली पंक्ति में बच्चा बैठा हुआ है, शाम पट के बिल्कुल करीब है, फिर भी बच्चा नहीं देख पा रहा है। इसका मतलब है उसका ध्यान या शिक्षा मनोविज्ञान जिसमें उसको अवधान कहते हैं वो उसमें नहीं है। उसके बाद सुनिश्चित स्थान पर रखने में परेशानी, किसी भी वस्तु को एक निश्चित जगह पर वो बच्चा नहीं रख पा रहा है। आप उसको कहोगे ये काम ऐसे करना है तो वो उस काम को उस तरीके से नहीं कर पाता है। उसके बाद आता है बच्चों 4 मीटर की दूरी से पहचान में क्या आ रही है, बच्चे को दिक्कत आ रही है। बच्चा 4 मीटर से ज्यादा दूरी की चीजों को नहीं देख पा रहा है, उसकी दृष्टि अल्प है, उसकी दृष्टि दोष उसमें विद्यमान है। तो वो कैसे देखेंगे, जब पता चलेगा कि बच्चा 4 मीटर से ज्यादा नहीं देख पा रहा है। गतिशील वस्तुओं को पहचानने में दिक्कत, जब भी बच्चा स्थिर चीजों को देख लेता है लेकिन अगर कोई गतिशील वस्तु है वो जा रही है तो उसकी आंखों के सामने धुंधलापन आ जाता है और उस वस्तु को देखने में उस बच्चे को कठिनाई अनुभव होती है। बच्चों,
उसके बाद आता है विभिन्न रंगों को पहचानने में बच्चे को क्या आती है, दिक्कत आती है। कई बच्चे ऐसे होते हैं जिनको कलर का ज्ञान नहीं हो पाता है, क्यों? क्योंकि उनमें वर्णांधता का दोष पाया जाता है। आपने वर्णांधता का नाम सुना भी होगा, जो एक आनुवांशिक रोग है। उसके बाद देखिए, कृतियों के प्रतीक व पैटर्न को वो नहीं पहचान पाता है, क्यों? क्योंकि उसके सामने दृष्टि बाधित दोष विद्यमान है। बच्चों, रास्ते को पहचानने में वह चकाचौंध वाली जगह वो नहीं देख पाता है, भीड़ भाड़ वाली जगह में कौन सी जगह, क्या वस्तु थी, क्या क्या चीजें वहां पर थी, ये सब बच्चा नहीं देख पाता है। रास्ते को पहचानने में आपको पता होगा, अल्प दृष्टि से ग्रसित अगर कोई बच्चा है तो वो बच्चा, अगर हम उसे किसी रास्ते में लेकर के जा रहे हैं तो वो उस रास्ते को नहीं पहचान पाएगा। अगर हम उस बच्चे को दोबारा उसी रास्ते पर लेकर जा रहे हैं तो भी उस बच्चे को उस रास्ते को पहचानने में दिक्कत महसूस होती है। फिर देखिए, बड़े शब्दों को पहचानने में आसान है। आप सब जानते हैं कि जिसमें दृष्टि दोष होता है वो बड़े अक्षरों को आसानी से समझ पाता है, देख पाता है। अगर ब्लैक बोर्ड पर बड़े अक्षर लिखे हुए हैं तो वो उसको देख लेता है और समझ जाता है। अगर ब्लैक बोर्ड पर छोटे अक्षर लिखे हुए हैं तो वो उसको नहीं समझ पाता है। 14 इंच की दूरी, 14 इंच से ज्यादा की वस्तु वो नहीं देख पाता है। आप जानते हो, दृष्टि दोष में कई बच्चों को पास की वस्तु नहीं दिखती है, जबकि कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जिनको दूर की वस्तु नहीं दिखती है। तो जो अल्प दृष्टि से ग्रसित जो बालक होते हैं वो 14 इंच से ज्यादा पर दूरी को नहीं देख पाते हैं। उसके बाद देखो, परछाई और वस्तु में, आपको पता है कोई परछाई है और एक वस्तु है। एक सामान्य जो औसत बालक है उसमें भेद कर पाता है, लेकिन जिसमें अल्प दृष्टि का दोष विद्यमान है वो बच्चा परछाई व वस्तु में भेद नहीं कर पाता है। उसके बाद देखो, गति में चेहरे की भाव मुद्रा को नहीं पढ़ पा रहा है। अगर कोई बच्चा डांस कर रहा है, आपने देखा होगा कथक डांस, कथक जो कि भारत का शास्त्रीय नृत्य है, इस शास्त्रीय नृत्य में क्या होता है, भाव भंगिमा, भावों के द्वारा, मुख की भावों के द्वारा, हाथों के हाव भाव के द्वारा चीजों को समझाया जाता है। लेकिन अल्प दृष्टि से अगर ग्रसित बालक है और अगर वो कथक डांस देख रहा है तो वो उसकी भाव भंगिमा को नहीं पहचान पाएगा। गति आंशिक अंधियारे कमरे में, अगर उस बच्चे को, मतलब ये है कि अल्प दृष्टि से ग्रसित अगर कोई बालक है तो वहाँ पर प्रॉपर लाइटनिंग होनी चाहिए। अगर प्रॉपर लाइटनिंग नहीं है और उस कमरे में अंधियारा है, अंधेरा है, तो वो बच्चा उस माहौल में देखने में दिक्कत महसूस करता है। तो आपने देखा कि अगर बच्चे में ये सब गतिविधियाँ और क्रियाकलाप होते हैं तो वो बच्चा अल्प दृष्टि से ग्रसित माना जाता है। तो कौन कौन से, एक बार और रिवाइज कर लेते हैं। पहला, पहली पंक्ति में न देख पाना, पुस्तक को पढ़ते समय अगर बच्चा उसको पास व दूर कर पा रहा है, मतलब वो ये नहीं देख पा रहा है कि कितने एंगल पर आकर के वह वस्तु उसको साफ दिखेगी। तो जब बच्चा पुस्तक को पास ला रहा है, दूर लेके जा रहा है, तो इसका मतलब है कि वो बच्चा
अल्प दृष्टि से ग्रसित है। उसके बाद देखिए, सुनिश्चित स्थान पर किसी भी वस्तु को रखने में उसको असुविधा महसूस हो रही है। 4 मीटर की दूरी से पहचान में उसको क्या आ रही है बच्चों, दिक्कत आ रही है। रंगों को पहचानने में दिक्कत आ रही है, वह भिन्न भिन्न रंगों को नहीं पहचान पा रहा है। क्यों? क्योंकि उसमें अल्प दृष्टि है, उसको कलर्स में फर्क नजर नहीं आ पा रहा है। आगे देखिए, कृतियों के प्रति वह पैटर्न को पहचानने में उसको असुविधा हो रही है, क्योंकि उन कृतियों के पैटर्न को वो ध्यान से नहीं देख पा रहा है। 14 इंच की दूरी पर उस बच्चे को दिक्कत आ रही है, तो इसका मतलब है कि वहां पर कौन सा दोष है, अल्प दृष्टि का दोष पाया जाता है। बड़े शब्दों को वो बच्चा आसानी से समझ पा रहा है, देख पा रहा है। परछाई वह वस्तु में अगर बच्चा भेद नहीं कर पा रहा है। गति में चेहरे की भाव भंगिमा को, जैसा कि मैंने आपको उदाहरण है, तो बच्चों समझ जाओ कि उसमें कौन सा पक्षाघात है, सेरेब्रल पॉल्सी पक्षाघात है। देखो, आपको इस चीज का, अगर ये चीजें आपको मिल रही है और इनमें 2 या 3 चीजें ज्यादा मिल रही है, तो इसका मतलब है उस बच्चे में सेरेब्रल पॉल्सी पक्षाघात है। इसका मतलब है उसके कार्य कलापों में असंतुलन विद्यमान है। देखो, क्रमिक इतिहास अगर उस बच्चे का क्या है, धीमा है, वो दैनिक क्रियाकलाप रोजमर्रा के कार्यों को नहीं कर पा रहा है। देखो कौन कौन से, उस बच्चे को दौरे पड़ रहे हैं, वो गिर रहा है। 6 साल से पहले उसकी गतियां असंतुलित थी। जैसे आप जानते हो, मिर्गी के दौरे पड़ते हैं कई बच्चों को, तो अगर इस तरीके के दौरे पड़ते हैं, वो अपनी स्वैच्छिक गतियों को नियंत्रित नहीं कर पा रहा है, तो इसका मतलब है उस बच्चे में सेरेब्रल पॉल्सी पक्षाघात विद्यमान है। बच्चों, तो ये तो है ही, अगर बच्चे को दौरे पड़ रहे हैं, बच्चा गिर रहा है, 6 साल से पहले उस बच्चे की गतियां असंतुलित अवस्था में थी, तो इसका मतलब है उसमें सेरेब्रल पॉल्सी पक्षाघात विद्यमान था। स्वैच्छिक गति करने में उस बच्चे को कठिनाई आती है, जैसे सांस लेने में उस बच्चे को दिक्कत आ रही है, हार्ट बीट में उस बच्चे को दिक्कत है, तो दैनिक उठने में उस बच्चे को दिक्कत है, बैठने में उस बच्चे को दिक्कत है, तो इसका मतलब है उस बच्चे में सेरेब्रल पॉल्सी पक्षाघात पाया जाता है। बच्चों, बैठने व खड़े होने में, अभी मैंने बताया आपको कि अगर बच्चा सही तरीके से उठ नहीं पा रहा है, सही तरीके से बैठ नहीं पा रहा है, तो इसका मतलब है इसमें ये दोष विद्यमान है। सूक्ष्म कार्यों को करने में कठिनाई हो रही है, 2 वस्तुओं को जोड़ नहीं पा रहा है, किसी चीज को काट नहीं पा रहा है, किस कागज को चिपका नहीं पा रहा है, रबड़ जो आपका पेंसिल है उससे शॉर्पनर से इरेज नहीं कर पा रहा है, पेंसिल को ढंग से नहीं पकड़ पा रहा है, लिखावट नहीं कर पा रहा है, कागज के टुकड़े नहीं कर पा रहा है, कागज की विभिन्न आकृतियां नहीं बना पा रहा है, विभिन्न रंगों से ड्राइंग नहीं कर पा रहा है, तो इसका मतलब है कि बच्चे में सेरेब्रल पॉल्सी पक्षाघात विद्यमान है।
सिर व गर्दन का पूरा निर्माण नहीं हुआ है। अगर उस बच्चे के सिर व गर्दन पूरी तरीके से विकसित नहीं हुई है तो इसका मतलब है कि वो बच्चा सेरेब्रल पॉल्सी पक्षाघात से पीड़ित है। उसके बाद आता है उठने व बैठने में अकड़ना। अगर वो बच्चा उठता है तो उसका शरीर अकड़ जाता है, जब वो बच्चा बैठता है तो उसका शरीर अकड़ जाता है, उसके हाथ और पैरों में अकड़न आ जाती है, तो इसका मतलब है कि वो बच्चा इस सेरेब्रल पॉल्सी से पक्षाघात है, पीड़ित है। और हम समझ सकते हैं कि वो विशिष्ट आवश्यकता वाले बालकों की श्रेणी में आता है। उसके बाद आते बच्चों पढ़ने व लिखने में। मैंने आपको बताया कि जब बच्चा सूक्ष्म कार्य नहीं कर पाता तो वो पढ़ेगा कैसे, उसे वो चीज पढ़ने और लिखने में जिस बच्चे को दूसरों की सहायता लेनी पड़ती है, तो इसका मतलब है वो सेरेब्रल पॉल्सी पक्षाघात से पीड़ित है। बोलते समय शब्दों में अटकता है। बोलते समय शब्दों में अगर बार बार में अटकता है, बीच बीच में लंबा सांस लेता है, तो इसका मतलब है बच्चे में कुछ दिक्कतें है। उसके बाद है दैनिक क्रियाकलाप। आपको पता है हर बच्चा दैनिक क्रियाकलाप करता है, जो भी सामान्य बालक है वो डेली रूटीन की सारे क्रियाकलाप धीरे धीरे अपने आप करने लग जाता है। लेकिन अगर जिस बच्चे को दैनिक क्रियाकलापों में भी किसी बाहरी सपोर्ट की आवश्यकता पड़ती है, तो इसका मतलब है कि वो बच्चा सेरेब्रल पॉल्सी पक्षाघात से क्या है, पीड़ित है। एक ही स्थिति में खड़ा रहना, विभिन्न गतिविधियां, जब बच्चे का शरीर अकड़ जाता है, उठने और बैठने में दिक्कत है, सूक्ष्म कार्य नहीं कर पा रहा है, तो वो बच्चा एक ही स्थिति में खड़ा रहेगा, वो बार बार में स्थितियां परिवर्तित नहीं कर सकता है। आपको पता है वो बच्चा अगर यूं खड़ा है तो वो वैसे ही खड़ा रहता है, बार बार उसकी गतिविधि में फर्क नजर नहीं आता है। जबकि एक सामान्य बालक की गतिविधि में बार बार आपको परिवर्तन देखने को मिलेगा। तो ये सेरेब्रल पॉल्सी की कुछ बिंदु है। अगर ये चीजें होने के बाद इनमें से दो या तीन चीजें रेखांकित है या दिखती है, तो इसका मतलब है कि वो बच्चा सेरेब्रल पॉल्सी पक्षाघात में पीड़ित है। कार्यकलापों में अगर उसके असंतुलन है, वो गिर जाता है बार बार में, वो उस बच्चे में अगर दौरे पड़ते हैं, उसके माता पिता से हमें पता चलता है कि उसके गतियों में क्या है, असंतुलन है, तो ये चीजें होने के बाद जब हम स्कूल एनवायरनमेंट में इन बिंदुओं में से दो या तीन बिंदु देखते हैं, तो इसका मतलब है कि वो बच्चा सेरेब्रल पॉल्सी पक्षाघात से पीड़ित है। उसके बाद आता है बच्चों ऑटिज्म। ऑटिज्म का मतलब यही है आंखों को नियंत्रित करना। आंखों को नियंत्रित करने के अलावा अपनी ऑटिज्म का मतलब है कि आप आंखों और हाथ दोनों के संतुलन में तालमेल स्थापित नहीं कर पा रहे हो। आप अपनी शारीरिक व मानसिक गतिविधियों में सामंजस्य अगर स्थापित नहीं कर पा रहे हो, तो उसका मतलब होता है बच्चों क्या, ऑटिज्म। ऑटिज्म का मतलब दोबारा सुन लो, ऑटिज्म का मतलब यही है बच्चों कि जब आप आंख और हाथ इन दोनों में तालमेल और सामंजस्य नहीं रख पाते हो। अगर आप शारीरिक और मानसिक रूप से दोनों में संतुलन स्थापित नहीं कर पा रहे हो, तो इसका मतलब है कि आप में कौन सा दोष है, ऑटिज्म का दोष है। आंखों को अगर आप नियंत्रित नहीं कर पा रहे हो, आप एक ही दृष्टिकोण से नहीं देख पा रहे हो, आप श्याम पट पर एकाग्रचित नहीं हो, बार बार उसमें परिवर्तन आ रहा है, फ्लक्चुएशन आ रहा है, तो इसका मतलब है कि आप में ऑटिज्म का दोष हो सकता है। किसी भी बात को बार बार दोहराता,
जैसे आप किसी बच्चे से पूछते हैं आपका क्या नाम है, तो बच्चा बोलता है अपना नाम बता देता है एक सामान्य बालक, लेकिन ऑटिज्म से पीड़ित बालक आपको यही बोलेगा आपका क्या नाम है। मतलब आपकी ही बात को बार बार दोहराता है कौन, ऑटिज्म से पीड़ित बच्चा। उसके बाद आता है एकाकीपन। ऐसा बच्चा एकाकीपन से पीड़ित रहता है, अकेला रहना पसंद करता है। क्यों? क्योंकि वो अपनी आंखों को नियंत्रित नहीं कर पाता है। उसके बाद में आता है बैठने की जगह पर दृढ़ीकरण। जो बच्चा जहां पर बैठता है वो उसी जगह पर बैठना पसंद करता है। बार बार में क्लास में उसको जगह परिवर्तन करने पर प्रॉब्लम आने लग जाती है। वो एक ही जगह पर बैठना ज़्यादा पसंद करता है। अगर उसको दूसरी जगह बिठा दिया जाता है तो वो क्या करता है, वो लड़ाई झगड़ा या चिड़चिड़ापन का शिकार हो जाता है। सुगंध व दृश्य के प्रति, जब पूरी क्लास के बच्चे बोलते हैं कि बदबू आ रही है या किसी दृश्य के प्रति एक चित होकर के, जैसे मान लो क्लास में कोई जोकर एंटर करता है तो सारे बच्चे बोलते हैं जोकर आ गया, लेकिन ऑटिज्म से जो पीड़ित बच्चा होगा वो ये नहीं बोलेगा, क्योंकि बाकी बच्चों से उसका अलग व्यवहार होगा। ठीक है, तो समझ में आया ऑटिज्म क्या है। ऑटिज्म का मतलब है हमारे शारीरिक व मानसिक संतुलन में तालमेल नहीं बिठा पाना ही क्या कहलाता है बच्चों, ऑटिज्म कहलाता है। उसके बाद आता है बच्चों बहुआयामी विकलांगताएं। आपने देखा ये सब चीजें होती हैं, अलग अलग बच्चों में अलग अलग चीजें देखने को मिलती है। कई बच्चे ऐसे होते हैं जिनमें दृष्टि दोष भी होता है, अंग भी खत्म होता है, मानसिक बुद्धि भी कम होती है, शारीरिक विकास भी नहीं हो पाता है। तो ऐसी जो विकलांगताएं होती है बच्चों वो कहलाती है बहुआयती विकलांगताएं। बहुआयती विकलांगता को हम चार भागों में बांट सकते हैं, जो कि आपकी बुक में भी दिया हुआ है। माइंड मेंटल, क्या कहते हैं माइंड मेंटल। दूसरा है सीखने से संबंधित विकलांगताएं। तीसरा है स्वर्ण दोष संबंधित विकलांगताएं। और चौथा है बच्चों अस्थि संबंधी विकलांगताएं। तो बहुआयती जो विकलांगताएं बच्चों, उसमें पहला आता है बच्चों माइंड मेंटल जो डिसएबिलिटी होती है उसमें क्या होता है बच्चों, बच्चा 3 या 4 साल के बच्चों जैसी हरकतें करने लग जाता है। हालांकि उसके चीजें याद रहती है, उसकी बुद्धि लब्धि भी अच्छी होती है, लेकिन उसका आईक्यू लेवल 70 से 50 के बीच में होने के बावजूद भी उस बच्चे में कई ऐसी चीजें होती है कि बच्चा 3 से 4 साल के बच्चे जैसी एक्टिविटी करने लग जाता है। तो माइंड मेंटल डिसएबिलिटी में क्या होता है बच्चों, उसमें ये होता है कि बच्चा 3 से 4 साल तक के बच्चे की हरकतें करता है, उसका आईक्यू लेवल अच्छा होने के बाद में भी अगर बच्चा ऐसी एक्टिविटी करता है और कई ऐसी चीजें आएगी उनको अगर वो बच्चे में है, तो इसका मतलब है कि उस बच्चे में माइंड मेंटल डिसएबिलिटी विद्यमान है। देखो अगर हम किसी के माता पिता के पास जाते हैं तो वो माता पिता अगर हम ये सब चीज़ें उससे जानकारी लेंगे, मतलब माइंड मेंटल डिसएबिलिटी का पता लगाने के लिए हमें ये देखना होगा कि उस माता पिता के पास जाएंगे जो कि विकलांग बालक है, उससे जाकर के हम विभिन्न सवाल पूछ सकते हैं। क्या कि उसके माँ बाप अगर हमें ये जानकारी देते हैं कि उस बच्चे ने 3 माह तक गर्दन नहीं टेकी थी। आपको पता है जब बच्चा पैदा होता है तो उसकी गर्दन नहीं टिकती है, हम गर्दन के नीचे सहारा लेकर के बच्चे को उठाते हैं, लेकिन बच्चा जब 2.5 से 3 महीने की ओर होने लगता है तो बच्चा, एक साधारण बच्चा गर्दन टेकने लग जाता है।
लेकिन जिसमें माइंड मेंटल डिसएबिलिटी होती है वो बच्चा 3 माह में गर्दन टेकना प्रारंभ नहीं करता। उसके बाद उसके माँ बाप अगर हमें बताते हैं कि जब बच्चा 9 महीने का था तो ये इसने खड़ा होना प्रारंभ नहीं किया था। हालांकि आप सब जानते हैं कि एक सामान्य बच्चा 9 महीने से 1 साल के बीच में खड़ा होना प्रारंभ कर देता है, वो धीरे 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 चलना प्रारंभ कर देता है। लेकिन माइंड मेंटल डिसएबिलिटी का शिकार बच्चा 9 माह में चलना प्रारंभ नहीं करता है। हमें पता चलता है माँ बाप से कि जब वो 1.5 साल का था तो वो शब्द नहीं बोल पा रहा था, कुछ भी शब्द नहीं बोल पा रहा था। इसका मतलब है कि वो बच्चे में माइंड एबिलिटी हो सकती है। 2.5 साल का बच्चा शब्दों को उच्चारित नहीं कर पा रहा था, बोल नहीं पा रहा था, वाक्य नहीं बना पा रहा था। तो हम समझ सकते हैं कि इन माता पिता से ये सब जानकारियाँ जुटाएंगे, उसकी एक केस प्रोफाइल बनाएंगे और उसमें बताएंगे कि वो बच्चा माइंड मेंटल डिसएबिलिटी का शिकार हो सकता है। उसके बाद आता है बच्चों सीखने संबंधी विकलांगताएं। आपको पता है किसी बच्चे में 85 से अधिक बुद्धि लब्धि होने के बावजूद भी, कितनी बुद्धि लब्धि, 85 से अधिक बुद्धि लब्धि उस बच्चे में है, उसके बावजूद भी अगर बच्चा नहीं सीख पा रहा है तो उसके पीछे क्या क्या रीजन हो पा रही है। क्या बच्चे पर नजर नहीं रखी गई है, उसके कार्य में क्या है कठिनाई है, बच्चा बार बार में उन्हीं गलतियों को अगर दोहरा रहा है, बच्चा अधिगम नहीं कर पा रहा है, तो वो उसकी कौन सी अक्षमता है बच्चों, सीखने संबंधी विकलांगता है। स्वर्ण संबंधी आपने पहले भी पढ़ लिया था। अगर बच्चा का कान बह रहा है, बच्चे के कान में दर्द हो रहा है, बच्चा कान लगा करके सुन रहा है, शाम पट के सामने बोलने के बावजूद बच्चा क्या कर रहा है, सहपाठी की कॉपी में से देख कर लिख रहा है, तो कुछ ऐसी चीजें हैं उसके बाद भी बच्चा अगर नहीं कर पा रहा है तो उसमें कौन सी है, स्वर्ण संबंधी विकलांगता विद्यमान है। उसके बाद आता है अस्थि संबंधी विकलांगता है। ये सब आप समझते ही हो, मैंने समझाया भी था, इसको शारीरिक विकृति के नाम से भी जाना जा रहा है। अगर बच्चा ढंग से उठ नहीं पा रहा है, बच्चा बैठ नहीं पा रहा है, बच्चा लिख नहीं पा रहा है, बच्चा झटकने के साथ उठ रहा है, बच्चे का शरीर उठने के बाद अकड़ रहा है, बच्चा दौड़ नहीं पा रहा है, बच्चा कैरिकुलम एक्टिविटीज में भाग नहीं ले पा रहा है, तो उसमें अस्थि संबंधी विकलांगताएं हैं, इसी कारण वो ये सब एक्टिविटी नहीं कर पा रहा है। तो आपने ये जो बहुआयामी विकलांगताएं थी इसकी जो डिटेल है वो हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। तो आपको पता होना चाहिए बच्चों कि विशिष्ट आवश्यकता वाले बालकों की केस प्रोफाइल बनाते समय हमें 4 बिंदुओं पर ध्यान देना जरूरी है। पहला अल्पदृष्टि, दूसरा सेरेब्रल पॉल्सी, तीसरा ऑटिज्म, चौथा बहुआयाती विकलांगता है। अल्पदृष्टि में ध्यान रखना, पहली पंक्ति में न देख पाना, पुस्तक को पढ़ते समय पास दूर करना, सुनिश्चित स्थान पर रखने में परेशानी, 4 मीटर की दूरी से पहचान में दिक्कत, गतिशील वस्तु को पहचानने में दिक्कत, रंगों को पहचानने में दिक्कत, कृतियों के प्रतीक व पैटर्न को पहचानने में दिक्कत, रास्ते को पहचानने में दिक्कत, चकाचौंध वाली जगह पर जाने पर भ्रम पैदा हो जाना, परछाई व वस्तु में भी। सेरेब्रल पॉल्सी पक्षाघात में मैंने आपको बताया था, अगर बच्चे के कार्यकलापों में असंतुलन है, बच्चे में दौरे आ रहे हैं, बच्चा गति नहीं कर पा रहा है और उनके माँ बाप से पता चल रहा है कि 6 साल से पहले इसकी गतियां असंतुलित थी। इसके बाद आता है ऑटिज्म। ऑटिज्म के बारे में मैंने आपको बताया था कि अगर बच्चे का शारीरिक व मानसिक संतुलन नहीं रह पाता है, वह उसमें तालमेल नहीं बिठा पा रहा है, तो इसका मतलब है बच्चे में कौन सा विकार है बच्चों, ऑटिज्म का विकार है।
उसके बाद बहुआयाती विकलांगताएं। बहुआयाती विकलांगताओं को हमने चार भागों में बांटा है जिसकी डिटेल हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे बच्चों। माइल्ड मेंटल, सीखना, स्वर्ण संबंधी और अस्थि संबंधी, ये चार चीजें हैं, इनको आपको कॉपी में नोट डाउन करना है, अपने शॉर्ट नोट्स बनाने हैं। शॉर्ट नोट्स बनाने के बाद आपको इन चीजों को ध्यान से पढ़ना है, समझना है। जितना ज्यादा समझोगे उतना ही ये चीजें आपके क्लियर हो जाएगी। ऑटिज्म सेरेब्रल पॉलिसी या आपके सीटेट रीट में भी उपयोगी है, इसलिए बीएड जो शिक्षण जो सेकेंड ईयर के जो छात्र हैं जो आगामी दिनों में रीट का एग्जाम भी राइट करेंगे उनके लिए भी ये वीडियो बहुत ही उपयोगी है। तो आप चाहते हैं कि मैं शिक्षा मनोविज्ञान के ऐसे ही वीडियो आपके लिए बनाती रहूं, तो आप मेरे इस नवभारती ग्रुप को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन के बटन पर क्लिक करें। धन्यवाद।